मैं सुनीता, न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आज 11 सितंबर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के नियम का पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का यूज करें, बिना किसी कारण के बाहर ना जाएं। दूसरी तरफ 12 सितंबर को होने वाली लॉकडाउन वापस ले ली गई है नीट की परीक्षा के लिए। गुरुवार को अग्निकन्या भवन में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कमेटी प्रेसिडेंट की घोषणा की गई, जिसमें श्री मलय घटक, मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी, हरेराम सिंह व अन्य नेतागण मौजूद रहे। ब्लॉक सभापति नाम तथा जिला के पदाधिकारी आज नाम दल उद्बोधन दिए संगे संगे युव संगठन विभिन्न ब्लॉक सभापति नाम एवं जिला कमिटी नाम दल अनुमोदन दिए मध्य उपस्थित आई जिलार दल अभिभावक विधायक पश्चिम प्रेसिडेंट हे राजीव घोष, दुर्गापुर टू प्रेसिडेंट हे उज्जवल मुखर्जी, दुर्गापुर थ्री प्रेसिडेंट हे सिपुल शाह, बारामणी ब्लॉक प्रेसिडेंट हे असित सिंह, सालमपुर प्रेसिडेंट हे आरमान खान, चित्तरंजन ब्लॉक प्रेसिडेंट हे तापस बनर्जी, उल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट हे बीमा आचार्य, दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक हे सुजीत मुखर्जी, मंडलेश्वर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, मंडल ब्लॉक प्रेसिडेंट हे कालवरण मंडल, रानीगंज टाउन प्रेसिडेंट कांचन तिवारी और वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से ज्योति सिंह, जामुड़िया एक नंबर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे साधन राय, जामुड़िया दो नंबर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे सुकुमार भट्टाचार्य, आसनसोल रूरल मैंने आसनसोल दक्षिणी जो ब्लॉक आज तरह मध्य ग्रामीण ब्लॉक प्रेसिडेंट हे देवनारायण दास, आसनसोल साउथ हीरापुर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे डॉक्टर ठाकुर, आसनसोल नॉर्थ एक नंबर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे गुप्ता चैटर्जी और आसनसोल नॉर्थ दो नंबर ब्लॉक प्रेसिडेंट हे उत्पल सिंह। एरपर आमी जिला जे कमिटी इतिमध्ये अनुमोदित হয়েছে আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব অনুমোদন করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে ইতিমধ্যে জেলা চেয়ারম্যান হিসাবে অলয় ঘটক, প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি, দুই কোঅর্ডিনেটর হরিদাস সিং এবং বিধায়ক বিশ্বনাথ পালিয়াল, এছাড়া দুর্গাপুর টাউনের কনভেনার হিসাবে ধর্মেন্দ্র যাদব এবং আসানসোল টাউনের কনভেনার হিসাবে পি সিং দাস, এছাড়াও অঞ্চল স্পেশাল ইনভাইটি আছে পার্মানেন্ট ইনভাইটি যারা হচ্ছে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক, বিধান উপাধ্যায় বিধায়ক, দিলীপ অগস্তি দুর্গাপুরের মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র এবং সুভদ্রা বাবু আমাদের জেলা পরিষদের সভাপতি। এছাড়াও যে সমস্ত কমিটি হয়েছে জেলা কমিটি হচ্ছে আমাদের 95 জন এবং এছাড়াও যেগুলো ব্লক প্রেসিডেন্ট সেই ব্লক প্রেসিডেন্টগুলো আমি পরে শুনিয়ে দিচ্ছি। दस सितंबर को DYFI जामुरिया वेस्ट एरिया कमेटी ने जामुरिया इंडस्ट्रियल बेल्ट के सभी कारखानों में डेपुटेशन दिया गया। उनका मांग था सभी को काम या सभी को बेकारी भत्ता दी जाए। इस मौके पर मौजूद रहे कॉम बुद्धदेव रजक, कॉम करुणा रुईदास, कॉम सागर दास, कॉम मुन्ना आहिर, कॉम बिट्टो दास, कॉम विकास इत्यादि। अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने पर खुशी मनाई गई। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाए। रानीगंज से जस्टामन कौर के अनुसार रानीगंज सुरक्षा सामाजिक संस्था की ओर से राजबाड़ी बीजी प्लेस प्रांगण में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी को लेकर परिचर्चा भी हुई, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि रानीगंज थाना के प्रभारी संजय चक्रवर्ती ने कहा कि आज मुझे यह स्वरूप से सम्मानित किया गया है,
इससे मेरा दायित्व और भी बढ़ गया है। इस महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। प्रथम लड़ाई में हम लोगों ने सफलता हासिल की है, लेकिन दूसरी लड़ाई यह है कि हमें यह प्रयास करनी होगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा से वंचित ना रह जाए, रोजी रोटी से वंचित ना रह जाए। जिस प्रकार से रानीगंज के पुलिस कर्मियों में कोरोना महामारी का असर देखने को मिली, लेकिन हम लोग घबराए नहीं और कोरोना महामारी से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। रानीगंज आनंद लोक के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर दीपेंदु दास ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर विजय पाना ही है। हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार का लक्षण दिखाई दे तत्काल उसकी चिकित्सा करवाएं। यह जो दौर है अपनों से दूर किया है, लेकिन सहयोग सभी को करनी होगी। विशेष अतिथि श्रीमती अनुराधा माल्या श्राफ ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अवसर है सेवा करने का और यह अपना दायित्व समझकर करना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर तुषार कांति बनर्जी ने कहा कि यह ऐसा समय है जब प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हुए देखने को मिल रही है। उसमें प्रथम स्थान यदि चिकित्सकों का है तो दूसरा स्थान पुलिस का है, वही तीसरा स्थान संवाद माध्यमों का है, वही हम जैसे बुद्धिजीवियों का भी दायित्व बड़ा है। लोगों को जागरूक करना है और कोरोना महामारी पर अवश्य विजय मिलेगी। इस अवसर पर अपने संचालन वक्तव्य में पत्रकार विमल देव गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐसा महामारी है जिसमें हमने अपने अजीज दोस्तों को भी खो दिया। अनेकों ऐसे भी समाज के लोग हैं जिन्हें भी अंतिम पुष्पांजलि नहीं दे पाए। बहुत ही दुखद समय है, लेकिन सजग होकर जागरूक होकर अपने को बचाते हुए समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने का वक्त है। इस मौके पर आनंद लोक के चिकित्सक सर्जन सैकत बैग, रानीगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर राजकुमार भट्टाचार्य एवं डॉक्टर प्याली दास सहित अन्य चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्रकार पवन यादव, बापा बनर्जी, सम्राट दास, काजल देवी को भी सम्मानित किया गया। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार जमाखोरी और बढ़ती महंगाई तथा आलू प्याज सब्जी की बढ़ती कीमत को देखते हुए अंडाल बीडीओ के नेतृत्व में अंडाल ब्लॉक के विभिन्न इलाके में चला छापेमारी अभियान। उनके साथ एग्री मार्केट, ड्रग्स इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी टीम, सेलटैक्स विभाग तथा उप जिला शासक उदय नारायण जाना तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस छापेमारी से अंडाल बाजार इलाके के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले जांच दल दक्षिण खंड में पहुंचकर एक किराना दुकान की जांच किया। उसकी अनियमितता को देखते हुए दुकानें सील कर दिया। उसके बाद टीम अंडाल बाजार पहुंचकर एक किराना दुकान की तलाशी लिया। उसके बाद उनकी जांच में खामियां पाए जाने के बाद किराना दुकान को भी सील कर दिया गया। उसके बाद अंडाल बाजार स्थित दास स्वीट्स दुकान में घुसकर वही खाता और गुणवत्ता तथा पॉलीथीन की जांच की। कुछ पॉलीथीन जब्त किया गया और कई खामियां मिलने के बाद दुकान का पेपर लेकर सोमवार को बर्दवान मुख्य कार्यालय बुलाया गया। उसके बाद टीम JM मेडिकल दुकान में घुसकर जांच की। JM मेडिकल की कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला और ना ही कोई फ्रीज ही मिला। इसके अलावे कई खामियां पाए जाने के बाद वहां ज़रूरी कागजात भी जब्त किया गया। बाकी ज़रूरी कागजात को लेकर सोमवार को बर्दवान मुख्य कार्यालय आने का निर्देश दिया गया। सह मोलिमा प्रोजेक्ट 2 के तहत रोटरी क्लब ऑफ उखरा की ओर से बंकोला बालू धौरा हनुमान मंदिर प्रांगण में 40 आम के पौधे रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे बंकोला एरिया के महाप्रबंधक RC महापात्रा, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन RTN सुमित घोष, रोटरी क्लब के सदस्य विशाल लाल सिन्हा हांडा, NN लहरी, जितेंद्र नाथ चक्रवर्ती, अमर बर्मन, पंचायत समिति सदस्य उज्जवल बावरी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक RC महापात्रा ने कहा, प्रदूषण मुक्त रखना है तो पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं उखरा रोटरी क्लब को दिल से धन्यवाद देता हूँ जिनका उद्देश्य बंकोला के इस हनुमान मंदिर प्रांगण में फल का पौधा लगाने का संकल्प लिया है। मैं रोटरी क्लब ऑफ उखरा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस संबंध में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन RTN सुमित घोष ने कहा, रोटरी क्लब ऑफ उखरा ने
सैमोलिमा प्रोजेक्ट के तहत उखरा और आसपास के इलाके को हरा भरा बनाने के लिए जगह जगह पौधा लगाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के तहत बंकोला बालूधौरा हनुमान मंदिर के प्रांगण में 40 आम के पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा, बंकोला बालूधौरा में हनुमान मंदिर का निर्माण करने के लिए इंद्रदेव नोनिया को धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से भव्य हनुमान मंदिर की निर्माण हुई। इसलिए इसके आसपास या आम का बगीचा के लिए उखरा रोटरी क्लब ने 40 आम का पौधा लगाने का फैसला किया। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार राज्य तृणमूल ने अगले वर्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुरुलिया जिला तृणमूल कमेटी के नए सचिव, युग्म सचिव सहित ब्लॉक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई, जबकि कई नामों को पूर्ववत रहने दिया गया। इनमें नितुड़िया और सांतुरी ब्लॉक अध्यक्ष अपने पद पर ही रहने दिए गए। गुरुवार को पुरुलिया दुलमी तृणमूल कार्यालय में जिले के 20 ब्लॉकों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गुरुपदों टुडू ने की। इनमें नितुड़िया ब्लॉक 3 के अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव अपने पद पर बरकरार रहे, जबकि राम प्रसाद चक्रवर्ती सांतुड़ी ब्लॉक अध्यक्ष बने रहे। जानकारी के अनुसार नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष के लिए दूसरा नाम भी भेजा गया था। इसे लेकर नितुड़िया ब्लॉक अंतर्गत तृणमूल खेमे में विरोध की बात एक बार फिर उजागर हुई। हालांकि इसमें बाजी मारते हुए शांति भूषण प्रसाद यादव ही नितुड़िया ब्लॉक अध्यक्ष बने रहे। उनके नाम की घोषणा होते ही उनके खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने रंग अबीर लगाकर खुशी जाहिर की। हालांकि उनके जगह अध्यक्ष पद के लिए दूसरे खेमे द्वारा भेजा गया प्रस्तावित प्रशांत राय को नितुड़िया ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया गया है। इधर सांतुड़ी में आदिवासी तृणमूल नेता बरकाराम टूडू के भारी विरोध के बावजूद राम प्रसाद चक्रवर्ती को पूर्ववत ही ब्लॉक अध्यक्ष रखा गया तथा कालिदास सरकार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि बरकाराम टूडू ने बीते दिनों जुलूस निकालकर राम प्रसाद चक्रवर्ती को पुनः ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर ब्लॉक के सभी गांवों में घूम घूम कर इनका विरोध किए जाने की बात कहा गया था। बरकाराम टूडू का कहना था कि इनके ब्लॉक अध्यक्ष बने रहने पर उन्नयन का कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि इनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया तो आदिवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है सभी लोग भाजपा का दामन थाम लेंगे। सांतुड़िया और आसनसोल में संतान की लंबी आयु की कामना के लिए गुरुवार को जीवतिया के मौके पर महिलाओं ने डीसरगढ़ स्थित दामोदर नदी संगम में स्नान किया एवं पूजा अर्चना की। जानकारी के अनुसार संतान की लंबी आयु की कामना हेतु माताओं द्वारा किए जाने वाला यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जो नवमी तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन सप्तमी को नहाए खाए अष्टमी को महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, अंतिम दिन यानी नवमी को उपवास तोड़ती हैं। गुरुवार को उपवास के लिए काफ़ी संख्या की महिलाओं ने दामोदर नदी में स्नान कर जीवतिया की कथा सुनी। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं जीवतिया व्रत कथा को सुनती है उन्हें जीवन में कभी भी संतान वियोग नहीं होता है। संतान के सुखी और निरोग जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पारण का भी अलग महत्व है।